हेलो गाइस, जो आप ये फ्रेम्स देख रहे हो, आज हम इनको बनाना सीखेंगे। तो हमें इंस्टॉल करनी है एक ऐप जिसका नाम है पिंट्रेस्ट। जब आप इसको ओपन करोगे, आप इसमें कुछ भी सर्च कर सकते हो, जैसे कि DIY, मेहंदी डिज़ाइंस, फैशन, ट्रेंड, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप सर्च कर सकते हो। तो मैंने DIY रूम डेकोर जो है वो सर्च किया है। आप फोल्डर बना सकते हो, कोई भी चीज़, कोई भी आप इसमें सेव कर सकते हो अपने बनाए हुए फोल्डर में। तो मैंने ये फोल्डर अभी ओपन किया और इसमें जो चीज़ें मैंने इसमें बनाई हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे पहले ये है, सेकंड ये वाला मैंने बनाया है, थर्ड ये बटरफ्लाई भी मैंने बनाई है, और फोर्थ ये जो ड्रीम है ये वाला भी मैंने बनाया है। तो आप इसमें से सर्च करके सेव कर लो और उसको आराम से बना सकते हो। सबसे पहले आपको शीट्स लेके आनी है, वाइट कलर की शीट्स ले आओ या फिर चार्ट पेपर ले आओ। कटिंग करनी है, जिस भी साइज़ का आपको बनाना है आपको वो सब चीज़ें, कोटेशंस जो हैं वो लिख लेनी है और जो डिज़ाइंस हैं वो बना लेने हैं पहले। आर्ट बनाना सीखेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, पेपर की स्ट्रिप काट लेनी है, 6 स्ट्रिप इसमें लगेंगी, और 6 की 6 स्ट्रिप्स में आपको कलर करने हैं, सब में डिफरेंट कलर करना है। जो कलर आपको पसंद हो आप अपनी चॉइस से कोई भी कलर कर सकते हो। स्ट्रिप्स जब रेडी हो जाए उसके बाद आपको करना है, एक पेपर लेना है, उसको फोल्ड करके हाफ हार्ट की शेप बना लेनी है और फिर उसको कटिंग करनी है। कटिंग करके जब उसको ओपन करोगे तो हार्ट बन के आपका तैयार हो जाएगा। वो स्ट्रिप जिस तरह से मैं आपको रख के दिखा रही हूँ, बिल्कुल उस तरह से उनको रखना है। बनने के बाद इसको फिर अच्छे से हमें चिपका देना है फेविकोल से। हाँ, जो स्ट्रिप एक्स्ट्रा निकली हुई थी बाहर हार्ट की शेप से, उसको हमें कटिंग करके हार्ट की शेप में उसको काट देना है। अब नेक्स्ट फ्रेम जो है उसको रेडी कर रहे हैं। ये जो है एडिट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो मेरे को अपने लैपटॉप की स्क्रीन से रिकॉर्ड करना पड़ा, उसके लिए आई एम सॉरी, बट आई थिंक वो क्लियर नज़र आ रहा है। पेपर पे पहले अच्छे से कलर करके बीच में ग्रीन डार्क और किनारों पे ब्लैक कलर, इस तरह से करके फिर वाइट कलर से, ये वाटर कलर ही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो सारे फ्रेम्स में टोटल 7 फ्रेम्स हैं, सब में वाटर कलर से ही कलर्स और जो कोटेशन लिख रहे हो वो सब वाटर कलर और ब्रश का यूज़ करके ही मैंने बनाए हैं। गाइस, नेक्स्ट है बटरफ्लाई। इसमें मैंने कलर कर लिया है, जो थोड़ा बहुत कलर बचा वो मैं आपको दिखा रही हूँ, बिकॉज मैं हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से तो आपको नहीं दिखा पाऊँगी वीडियो में, बिकॉज वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब जब सब चीज़ें हमारी बन के रेडी हो जाएँ, उसके बाद हमें कार्डबोर्ड्स लेने हैं। कार्डबोर्ड आपको जो आपके घर में एक्स्ट्रा बॉक्स, खाली बॉक्स जो पड़े हुए होते हैं वो लेने हैं, और जो बहुत लाइट वेट हों,
उनकी कटिंग करनी है और फिर उसको उसके ऊपर पेस्ट कर देना है जो आपने कोटेशंस जो डिज़ाइंस आपने बनाए हैं। इस तरह से आपको फेविकोल का यूज़ करके उसको पेस्ट कर देना है। ये देखो, ये एक्स्ट्रा जो कार्डबोर्ड जो बचे हुए थे मेरे घर में, आप भी वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके ये सब चीज़ें बना सकते हो। गाइस, जब हमारे सारे डिज़ाइंस बनके तैयार हो जाएं, अब हमें टेप लगानी है इनके किनारों पे। सारे जो हमें डिज़ाइंस बनाए हैं उसके किनारों पे हमें टेप लगानी है, उसको सिक्योर करना है। एक फ्रेम की तरह का लुक भी हमारे डिज़ाइन में आ जाएगा। जिस तरह से मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, उसी तरह से आपको टेप चिपकानी है। अब हमारे फ्रेम्स जो हैं वो बनके तैयार हो चुके हैं। अब हमें उनको वॉल पे लगाना है। उसके लिए हमें चाहिए डबल साइडेड टेप। उसको इस तरह से हमें सारी टेप को एक ही बार में सारे फ्रेम्स के पीछे चिपका लेना है, और लगाने से पहले सिर्फ उसके ऊपर का जो पेपर है उसको रिमूव करना है। एंड देन आपको वॉल पे वो प्लेस करना है, जहाँ पे भी आपको उसको, जहाँ जिस जगह आपको लगाना है वहाँ पे उसको पेपर उतारो और उसको लगा दो। गाइस, आपको ये फ्रेम्स कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।